कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं खबरों की ओर। सीएम योगी आज कर्नाटक का चुनावी दौरा करेंगे, जहां सीएम सुबह करीब 10:30 बजे चिकमगलूर के कोप्पा में सभा करेंगे। वहीं 11:55 पर दक्षिण कनकडा के पुत्तूर में रोड शो जनसभा करेंगे। 1:20 पर उडप्पी के करकला में जनसभा करेंगे। 4:50 पर दक्षिण कन्नडा के बंटवाल विधानसभा में रोड शो करेंगे। बता दें कि कर्नाटक में 10 मई को वोटिंग होगी और 13 मई को नतीजे घोषित किए जाएंगे। बता दें कर्नाटक चुनाव प्रचार में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की भारी मांग है, और इसी कड़ी में सीएम योगी आज कर्नाटक में धुआंधार प्रचार और रोड शो करेंगे। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। कर्नाटक में सत्ता वापसी के लिए बीजेपी पूरे दमखम के साथ चुनाव प्रचार कर रही है। कर्नाटक चुनाव प्रचार में सीएम योगी आदित्यनाथ की भारी मांग है। इसी कड़ी में सीएम योगी आज कर्नाटक में धुआंधार प्रचार और रोड शो करेंगे। सीएम योगी की आज कर्नाटक में 5 जनसभाओं को संबोधित करेंगे, वही 3 रोड शो भी करेंगे। जानकारी के मुताबिक सुबह 10:30 चिकमगलूर के कोप्पा में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद 11:55 पर दक्षिण के कन्नाडा के पुत्तूर में रोड शो और जनसभा करेंगे। दोपहर 1:20 पर उडप्पी के करकला में जनसभा और रोड शो करेंगे। वहीं 3 उत्तर कन्नडा के भटकल विधानसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे, और शाम 4:50 पर दक्षिण कन्नडा के बटवाल विधानसभा में रोड शो करेंगे। आपको बता दें कि कर्नाटक में 10 मई को वोटिंग होगी और 13 मई को नतीजे घोषित किए जाएंगे। वर्तमान में कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पिछले विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। उस समय भाजपा को 104 सीटें मिली थी, वहीं कांग्रेस को 80 और जेडीएस को 37 सीटें मिली थी। वहीं इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रितेश हमसे जुड़ चुके हैं। रितेश, देखें तो आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि कर्नाटक में अखिलेश यादव और मायावती जमकर प्रचार और रैलियां कर रहे हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती है। अब सीएम योगी खुद कर्नाटक की मैदान में उतरेंगे और धुआंधार प्रचार और रैलियां करेंगे। मैं आपको बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी ही उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कर्नाटक में चुनाव प्रचार के लिए भेजा है, क्योंकि भारी डिमांड थी उनकी कर्नाटक में उनके चुनाव प्रचार के लिए। वहां की जो जनता थी वो चाहती थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर्नाटक में और विधानसभा चुनाव का प्रचार करने आए। इसको लेकर के आज 5 चुनावी जनसभाएं हैं कर्नाटक में और 3 रोड शो भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। 10:30 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर प्लेन के जरिए वो वहां पहुंचेंगे कर्नाटक में। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए विधानसभा में चुनाव प्रचार करेंगे। अभी आपने देखा कि निकाय चुनाव का पहला चरण समाप्त हुआ है और इसमें उत्तर प्रदेश के 37 जिलों में यानी 9 मंडल में चुनाव हुए। उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 22 से ज्यादा जनसभाएं और 22 से ज्यादा जिलों को कवर किया। उसके बाद अब उनका कर्नाटक दौरा, कर्नाटक विधानसभा में जो पिछली गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी की थी उसको दोबारा दोहराने के लिए फिर से वो कर्नाटक का दौरा कर रहे हैं और वहां पर चुनाव प्रचार करने के लिए आज पहुंच रहे हैं। 5 चुनावी जनसभाएं होंगी, 3 रोड शो होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रोड शो के बाद आज वहां पर तस्वीरें साफ होंगी, क्योंकि 10 मई को कर्नाटक में विधानसभा चुनाव है, वहां पर मतदान होगा 10 मई को। उसके बाद 13 तारीख को वहां नतीजे आने की भी बात कही जा रही है। तो इसको लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कर्नाटक 10:30 पहुंच रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ कि 10:30 चिकमगलूर और कोप्पा में जनसभा करेंगे। वही 11:55 पे दक्षिण कन्नड़ा में एक पुत्तूर जगह है, वहां पर रोड शो करेंगे। तो इस तरीके से उनकी 5 जनसभाएं हैं, 3 रोड शो हैं। तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कर्नाटक दौरा माना जा रहा है, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद खास है। और पार्टी के जो मुखिया है वहां की भारतीय जनता पार्टी को, उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ही स्टार प्रचारक के रूप में कर्नाटक में चुना है। जी
जी रितेश, देखिए निकाय चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जमकर प्रचार प्रसार किया, वहीं अगर मैं कर्नाटक की बात करूं तो कर्नाटक में एक अलग ही प्रकार की सियासत चल रही है। कोई भी दल पीछे नहीं रहना चाहता, हर सभी की कोशिश यही है कि जीत हासिल करें, और इस तरह सीएम योगी भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करना उन्हें कितना फायदा दिला सकता है? देखिए अगर तत्कालीन सरकार की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर्नाटक में है, 104 सीटें उनको मिली थी, कांग्रेस को 80 सीटें, तो कांग्रेस कहीं ना कहीं वहां पर अपनी फाइट पे है। अगर 37 सीट जो अन्य थे जेडीएस उनको मिली थी, उसको लेकर के वहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चुनाव प्रचार बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि ये बताया जा रहा है वहां के जो सूत्रों का कहना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वहां पर डिमांड थी जिसके लिए उनको भेजा गया, और एक दिन में 5 जनसभाएं और 3 रोड शो करना ये कहीं ना कहीं बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि चुनाव नजदीक है, 10 मई को चुनाव हो रहा है, तो इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, और पूरी तरीके से जो पार्टी संगठन के नेता है शीर्ष नेता है वो वहां पर कर्नाटक लगातार पहुंच रहे हैं और अपना दमखम दिखाने में जुटे हुए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेता है उनके भाषण में वो दम होता है, जब वो पहुंचते हैं वहां पर जो जनसभाएं होती है तो कहीं ना कहीं वो अपने विकास की गाथा गाते हैं, उसको लेकर के मतदाताओं को लुभाने का प्रयास करते हैं। उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक फायर ब्रांड नेता के रूप में जाने जाते हैं, आज जब वो कर्नाटक में 10:30 बजे से अपनी जनसभाओं को करेंगे तब ये देखने वाली बात होगी कि मतदाता कितने मतदाताओं के अंदर कितना बदलाव आया और उनका रुझान किस तरफ होता है। फिलहाल ये चुनाव है मतदान में मतदाता जो अपने चुनाव का अपने मत का प्रयोग करते हैं, जो विकास करता है क्षेत्र का नेता या देश का नेता या प्रदेश का नेता उसके खिलाफ उसके तरफ ही मतदाता अपने मत का प्रयोग करते हैं। मतदाता भी अब जागरूक हो चुका है, वह केवल विकास के ऊपर ही, शिक्षा व्यवस्था के ऊपर ही, स्वास्थ्य व्यवस्था के ऊपर ही, सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर ही चुनाव में मतदान का प्रयोग करता है। अब आने वाले समय पता चलेगा कि अभी जो निकाय चुनाव हो रहा है और कर्नाटक विधानसभा चुनाव हो रहा है इसमें जीत किसकी होती है। फिलहाल सभी नेता सभी पार्टियां अपना दमखम दिखाने में जुटे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी लगातार ताबड़तोड़ रैलियां कर रही है, और शीर्ष नेता जो इसके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो तत्काल अपने सभी जिलों को और सभी जगह को कवर कर रहे हैं। जी धन्यवाद रितेश हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। निकाय चुनाव के प्रचार की कमान डिप्टी सीएम बृजेश पाठक संभाले हुए हैं, दूसरे चरण को लेकर प्रचार में पूरी ताकत झोंक रही हैं। जहां आज बृजेश पाठक इटावा कन्नौज औरैया में जनसभा करेंगे, जहां सबसे पहले 11:15 पर बरथना इटावा में जनसभा करेंगे, इसके बाद 12:40 पर गुरुसरायगंज कन्नौज में जनसभा करेंगे, साथ ही 2:40 पर पुरानी नुमाइश ग्राउंड औरैया में जनसभा को संबोधित करेंगे और पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे। बता दें निकाय चुनाव को देखते हुए लगातार भारतीय जनता पार्टी एक्शन मोड में है, कोई भी कसर भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ना चाहती। जहां एक तरफ सीएम योगी खुद मैदान में उतरकर अपने प्रत्याशियों के लिए जमकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो वहीं डिप्टी सीएम भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, जहां आज बृजेश पाठक तमाम जिलों में जनसभा को संबोधित करेंगे। निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान हो गया है, वहीं दूसरे चरण का मतदान 11 मई को होगा, और दूसरे चरण के चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े दिग्गज मैदान में उतरे हुए हैं, अपने प्रत्याशियों के हक में जनता से वोट की अपील कर रहे हैं, अपने तमाम मुद्दे गिना रहे हैं, अपने द्वारा किए बेहतर कामों को जनता के बीच रख रहे हैं और जनता के विश्वास को पूरे तरीके से जीतने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि इस बार की निकाय चुनाव की लड़ाई बेहद ही दिलचस्प मानी जा रही है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले निकाय चुनाव को सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है। बता दें निकाय चुनाव को लेकर कोई भी दल कोई भी पार्टी कुछ भी कसर नहीं छोड़ना चाहते। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रचार प्रसार में जुटी हुई है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े दिग्गज खुद मैदान में उतरे हुए हैं, अपने प्रत्याशियों के हक में वोट मांग रहे हैं। बता दें कि डिप्टी सीएम बृजेश पाठक चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। डिप्टी सीएम अपने चुनावी दौरे पर हैं, जहां वो आज तमाम कार्यक्रम में शामिल होंगे, ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे।
बता दें निकाय चुनाव के प्रचार की कमान भारतीय जनता पार्टी के दिग्गजों ने अपने हाथ में ले रखी है। वो खुद मैदान में उतर रहे हैं, खुद जनता से बातचीत कर रहे हैं और अपने द्वारा किए कामों को, बेहतर कामों को जनता के बीच रख रहे हैं और उनका विश्वास जीतने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। बता दें निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान हो चुका है, दूसरे चरण का मतदान 11 मई को होगा, वहीं 13 मई को रिजल्ट सामने आ जाएगा। बता दें कि 2024 में होने वाले लोकसभा के चुनाव से पहले निकाय चुनाव हो रहे हैं, जिसको सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है। वहीं इटावा, कन्नौज समेत तमाम जनपद में आज डिप्टी सीएम चुनावी रैली करेंगे। बता दें कि चुनावी दौरा है उनका, जहां वो जनसभा को संबोधित करेंगे। इटावा, कन्नौज, औरैया में ताबड़तोड़ प्रचार करेंगे डिप्टी सीएम। कन्नौज से हमारे संवाददाता राम ऋषि हमसे जुड़ चुके हैं और औरैया से हमारे साथ जाहिद हमसे जुड़ चुके हैं। सबसे पहले राम ऋषि आपका रुख करूंगी मैं। राम ऋषि, निकाय चुनाव के प्रचार की कमान डिप्टी सीएम बृजेश पाठक खुद संभाले हुए हैं, आज उनका कन्नौज में दौरा है, क्या कुछ कार्यक्रम है, क्या कुछ पूरा शेड्यूल? जी बिल्कुल मयूरी, आपको बता दें उनका जो है हेलीकॉप्टर 12:30 बजे गुरसाईगंज के एक कमला मैदान पड़ता है, वहां पर उतरेगा और जिले के जो कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ नेतागण हैं, वहां पर पहुंचेंगे और बृजेश पाठक जी जो है वो जनसभा संबोधित करेंगे। उनका कहीं ना कहीं जितनी भी जो नगर पंचायत है, नगर पालिका है, जो भी भाजपा के कैंडिडेट हैं, उनका जिताने का काम रहेगा और वो बताएंगे कि क्या क्या कार्य योजना है वो करनी है। कहीं ना कहीं उनका पूरा प्रोपोगंडा चल रहा है कि सभी जो है प्रत्याशी है उनको जिताना है कहीं ना कहीं जी। औरैया से हमारे साथ जाहिद जुड़े हुए हैं, जाहिद औरैया भी जाएंगे डिप्टी सीएम, उनके क्या कुछ कार्यक्रम होंगे, कैसी तैयारियां देखने को मिल रही हैं? मैं भी आपको बताता हूँ कि 11 नवंबर को नगर निकाय के चुनाव दूसरे चरण को होने हैं, उसी को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के उप डिप्टी सीएम बृजेश पाठक एक जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसमें नगर पालिका अध्यक्ष पद से प्रत्याशी राजकुमार दुबे की समर्थक में भारी जनसभा को संबोधित करेंगे। जी राम ऋषि, अगर मैं कन्नौज की बात करूं तो वहां निकाय चुनाव को देखते हुए कैसी स्थिति बनी हुई है, किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, कौन किसको टक्कर दे सकता है? मयूरी बिल्कुल आपको बता दें, ये देखिए बसपा, सपा और कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशी मैदान में है। कहीं ना कहीं अगर टक्कर की बात की जाए तो सपा और भाजपा में टक्कर देखने को मिल रही है। भाजपा के जो नेता है, जो वरिष्ठ नेता है, वो मोहल्लों में जाकर जनसभा कर रहे हैं और जो सपा के जो नेता है वो भी मोहल्लों में जाकर जनसभा कर रहे हैं, वो अपने जो है प्रत्याशियों को जिताने के लिए पूरा दम लगा चुके हैं। जी जी जाहिद, औरैया में क्या कुछ स्थिति बनी हुई नजर आ रही है, कौन किसको टक्कर देता नजर आ रहा है, क्या कुछ जातीय समीकरण है? जी मैं मयूरी बता दूं कि औरैया की हमेशा यह रहा कि हमेशा यहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी ही जीता रहा, पर पहली बार देखने को मिलेगा कि भारतीय जनता पार्टी से जिस हिसाब से राजकुमार दुबे जी खड़े हुए हैं, यहाँ पर लोगों को समर्थन मिल रहा है, तो एक बहुत बड़ी बात कहने को होगी कि कहीं ना कहीं राजकुमार जी और साइकिल समाजवादी पार्टी से टक्कर देखने को मिल रही है। राम ऋषि, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी प्रचार प्रसार में कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है, लगातार प्रचार प्रसार कर रही है, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है इससे कितना फायदा मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को? बिल्कुल मयूरी, कहीं ना कहीं फायदा, अगर फायदा की बात की जाए तो जनसभा की जा रही है। अब ये 13 तारीख को पता लगेगा जब वोट खोलेंगे तो किन का पल्ला भारी रहता है उस समय, और जब वोट पड़ेंगे तब देखना ये होगा कि कौन किनको सपोर्ट करता है, अभी ये कहना नहीं होगा। जी धन्यवाद राम ऋषि तमाम जानकारियों के लिए। जाहिद आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। बता दें निकाय चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरी हुई है। भारतीय जनता पार्टी कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती। जहां एक तरफ सीएम योगी निकाय चुनाव को देखते हुए जमकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो वहीं डिप्टी सीएम बृजेश पाठक भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते, इटावा, कन्नौज, औरैया में ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार करेंगे।
WHO ने वैश्विक महामारी के तौर पर कोरोना के खत्म होने का ऐलान किया है। WHO का कहना है कि कोरोना अब वैश्विक हेल्थ इमरजेंसी के रूप में खत्म हो चुका है। WHO के अध्यक्ष ने कहा है कि कल संगठन की इमरजेंसी समिति की 15वीं बैठक हुई। मुझे यह बताया गया कि अब पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के तौर पर कोरोना के खत्म होने का ऐलान कर देना चाहिए। मैंने उनकी सलाह स्वीकार कर ली है, इसलिए अब बड़ी उम्मीद के साथ मैं ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी के तौर पर कोरोना के खत्म होने का ऐलान करता हूँ। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोरोना पूरी तरह से खत्म हो गया है, लोग अभी भी एहतियात बरतें। बता दें WHO की तरफ से यह ऐलान कर दिया गया है कि कोरोना अब वैश्विक महामारी नहीं है। बता दें कोरोना का एक विकराल रूप देखने को मिला था, जिसके बाद कोरोना को वैश्विक महामारी घोषित कर दिया गया था। वहीं अब WHO की तरफ से बड़ा ऐलान कर दिया गया है कि कोरोना ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी नहीं है। वहीं एक तरफ ये भी बात कही गई है कि अभी पूरी तरह से कोरोना गया नहीं है, लोग एहतियात बरतने की जरूरत है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विवेक हमसे जुड़ चुके हैं। विवेक, WHO की कमेटी ने COVID-19 को लेकर क्या कुछ ऐलान किया है? देखिए, कल बाकायदा जिनेवा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें WHO के चीफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कोविड पर। उन्होंने कहा कि COVID-19 जो है अब हेल्थ इमरजेंसी इश्यूज नहीं है। अगर बात की जाए तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस COVID-19 एंड ग्लोबल हेल्थ इश्यूज टॉपिक पर हुई थी, जिसपे कई अलग अलग जगह के जो बुद्धिजीवी लोग इसमें सम्मिलित हुए थे। इसके बाद सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि जो कोरोना महामारी है, 2019 में जब पहली बार इसका पता लगा था और आज तक हर 3 मिनट में लोगों की मृत्यु कोरोना से दुनिया भर में हो रही है, कुल 39 महीने में 69 लाख से ज्यादा मौतें हुई हैं और 76.52 करोड़ के जो केसेस जो है दुनिया भर में मिले हैं। तो WHO चीफ ने कहा कि लगातार एक साल से इससे केस घटते जा रहे हैं और सबसे बड़ी वजह जो है वैक्सीनेशन, क्योंकि वैक्सीनेशन के बाद से लोगों का इम्यून सिस्टम इसके प्रति और डेवलप हुआ है और केसेस में लगातार गिरावट आई है। तो ऐसी स्थिति में जब एक साल से लगातार केसेस घट रहे हैं, मौत का आंकड़ा घट रहा है, संक्रमण का आंकड़ा घट रहा है, तो WHO ने ये निर्णय लिया है कि अब कोविड को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी नहीं घोषित किया जाएगा। इससे पहले हम जान रहे हैं कि वैश्विक महामारी के तौर पर कोरोना वायरस को देखा जा सकता है। और WHO चीफ टेड्रोस एडहनम ने जिनेवा में मीडिया कर्मियों से जानकारी देते हुए कहा कि वैक्सीनेशन की वजह से काफी कामयाबी जो है इसको काबू करने में मिला है। हेल्थ सिस्टम भी प्रेशर बहुत कम हो गया है, क्योंकि हमने देखा था कि जब कोरोना पहली बार आया था तो किस तरीके से भारत देश का जो है हेल्थ स्ट्रक्चर वो जवाब दे गया था, दुनिया भर के हेल्थ सिस्टम जो है जवाब दे गए थे। अगर बात की जाए तो कोविड से दुनिया भर में 70 लाख लोग मारे गए, 30 जनवरी 2022 को इसे ग्लोबल इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया था, यानी कुल 3 साल बाद से जो ग्लोबल इमरजेंसी का तमगा जो है इससे ले लिया गया। अमेरिका में 11 मई को हेल्थ इमरजेंसी खत्म हो जाएगी। हम आपको बता दें कि सबसे ज्यादा केसेस जो है कोविड के अमेरिका में ही पाए गए थे। इस तरीके से WHO के चीफ का प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोविड पे ये कहना कि अब इसको ग्लोबल इमरजेंसी हेल्थ के सिस्टम में नहीं रखा जाएगा, और क्योंकि एक साल से लगातार इससे केसेस घट रहे हैं। विवेक, कोविड को लेकर भारत में अभी कैसी स्थिति बनी हुई है? वहीं WHO के द्वारा ये भी कहा गया है कि पूरी तरह से कोरोना अभी गया नहीं है, एहतियात बरतने की जरूरत है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से WHO चीफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि खतरा अभी भी बना हुआ है, भले ही COVID-19 जो है ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी अब नहीं हो सकता, नहीं रह गया है, लेकिन इस कैटेगरी से निकलने के बाद भी खतरा जो है वो बना हुआ है, इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, लापरवाही नहीं करनी है। आगे WHO के डायरेक्टर जनरल ने कहा कि पिछले हफ्ते की अगर बात करें तो हर 3 मिनट में COVID-19 से एक व्यक्ति की मौत हुई है, यानी अभी भी खतरा बना हुआ है। और ये मौतें वो हैं जिनकी जानकारी जो है WHO के पास या फिर किसी सरकारी संस्था के पास होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि आधिकारिक रिपोर्ट दर्ज नहीं हो पा
हो पाती है तो ये रिकॉर्ड उनके पास दर्ज नहीं होता है। इसके बाद अगर बात करें तो दुनिया भर में अभी भी कई भी लोग आईसीयू में कोविड 19 से जूझ रहे हैं। कुछ तो लोग ऐसे भी हैं जो कोविड के बाद भी परेशान है, जिनको कोविड से उभरने में काफी दिक्कत हो रहा है, जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है, वो बार बार कोविड का शिकार हो रहे हैं। अगर बात की जाए भारत में तो जिस तरीके से पिछले एक महीने में कोविड के केस लगातार बढ़ रहे थे तो अब उन केसेस में गिरावट दर्ज की जा रही है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में केसेस लगातार घट रहे हैं, लेकिन अभी भी उत्तर प्रदेश के कुल 73 जिले, मैं आपको बता दूं 75 में से 73 जिले कोरोना के संक्रमण में है, लेकिन जो केसेस हैं एक दिन की वो काफी कम हो गए हैं। एक्टिव केसेस की संख्या अब कम आ रही है, अस्पतालों में कोविड के मरीज अब कम दिख रहे हैं। जी धन्यवाद विवेक तमाम जानकारियों के लिए। अभी के लिए इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।